अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब घर वाफीत से होंगे तो आज के दिन हम चैप्टर नंबर थ्री ठीक है तो यहाँ पे चैप्टर नंबर थ्री है गलती से मान लिखा गया तो चैप्टर नंबर थ्री काउंटिंग टेक्निक्स का हम लेक्चर नंबर वन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर वन में हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखेंगे और ये वाली चीज़ हम कम्बीटिक्स बाय डॉक्टर रहमान इनकी बुक से कवर करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है तो चीज़ें समझा तो दूंगा लेकिन आपको थ्योरेटिकल भी पता हो तो इसलिए हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सपोज डैट अ टास्क इज़ डन इन टू डिफरेंट वेज़ उन्होंने कहा है कि फ़र्ज़ किया है कि एक टास्क है जिसको हम दो डिफरेंट वेज से कर सकते हैं तो फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर कह देता हूँ ये टास्क है इसको या मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ टी वन या मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ टी टू ठीक है अगर इस तरीके से करूँगा तो फिर भी टास्क पूरा हो जाएगा मुझे दूसरे करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर मैं दूसरे तरीके से करूँगा तो पहले से करने की ज़रूरत ही नहीं है यानी कि एक ही काम है मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ इस तरीके से भी कर सकता हूँ एग्जाम्पल सिंपल ये दे देता हूँ कि जिस तरह कहते हैं ना कि कहानी पकड़ने या सीधे हाथ से पकड़ लो या उल्टा यानी कि घुमा के पकड़ लो जैसे मर्ज़ी पकड़ने तो कहानी है तो इसी तरह एक काम को करने के दो वेज हैं अब अगर मैं देखना हो यानी कि इन टू डिफरेंट वेज़ दो मुख्तफ तरीक़ों से कर सकते हैं बट समे टू डू इट आर कॉमन इन बोथ वेज अभी इसको छोड़ दें वो कहते हैं कि जब इस तरह की चीज़ आती थी ना तो हम सम रूल ऑफ़ काउंटिंग यूज़ करते थे अडिशन प्रिंसिपल जो कि हम चैप्टर नंबर वन में डिस्कस करके आए वो 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 प्रिंसिपल कहता था कि अगर हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है तो टी वन प्लस टी टू कर दें यानी कि अगर हम एक काम को एम डिफरेंट वेज से कर सकते हैं या फिर एन डिफरेंट वेज से कर सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए हम एम प्लस से एन कर देते थे लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ अगर मैं कहूँ फ़र्ज किया है कि यही काम है इसको एम तरह से भी किया जा सकता है टी तरह से भी किया जा सकता है यू तरह से भी किया जा सकता है अब इसी काम को मैं कहूं यहां पे एम तरीकों से भी किया जा सकता है एन तरीकों से भी किया जा सकता है और तरीकों से भी किया जा सकता है अब ये यह देखें यहां पे थ्री है यहां पे थ्री है तो टोटल हमारे पास इस काम को छ वेज में किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सम रूल लेकिन यहां पे गौर करूं तो यहां भी एम है यहां भी एम तो ये एम दो दफा काउंट हो गए छः आ गया यानी कि एक दो तीन चार पाँच ठीक है ये यू लिखा हुआ है तो एम दो दफा काउंट हो गया जबकि एम को तो एक दफा ही शुमार करना था नंबर ऑफ वेज़ देखूँ तो एक दो तीन दोबारा रिपीट हो गया चार पाँच तो हमारे पास फ़ाइव आने चाहिए थे आंसर लेकिन सम रूल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास सिक्स आंसर आ रहा है तो जब हमारे पास एक काम को या इन वेज से किया जाए या इन वेज से किया जाए लेकिन उनमें कोई कामन चीज़ भी आ जाए तो उस वक्त इनक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ होता है इनकलीजन कहता है कि सभी को इंक्लूड कर दो और एक्सक्लूजन कहता है कि जो चीज़ कामन है उसको एक दफ़ा निकाल दो ठीक है तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहेगा कि टोटल सिक्स आ गया उसमें से एम जो है ये रिपीटेड है तो एक दफा एम को निकाल दो तो ये हमारे पास फाइव आ जाएगा ठीक है और ये वाली चीज़ जो हमारे पास आई इसको कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंक्लूजन मीन इंक्लूड करो एक्सक्लूजन मीन एक्सक्लूड कर दो निकाल दो ठीक है तो अब हम इसको पढ़ते हैं थ्योरी से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी सपोज डैट अ टास्क इज़ डन इन टू डिफरेंट वेज कहता है फ़र्ज करें कि एक काम को करने के दो मुख्तलिफ रस्ते हैं दो मुख्तलिफ वेज़ हैं बट समेज टू डू इट आर कामन इन बहुत वेज कहते हैं लेकिन कुछ वेज जो ऐसे हैं वो दोनों में कामन है ठीक है इन दिस सिचुएशन इस सचुएशन में वी कैन नाट यूज़ सम रूल हम सम रूल को यूज़ नहीं कर सकते टू काउंट द नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज को काउंट करने के लिए टू डू द टास्क एक काम को करने के लिए इफ़ वी एट द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क इन दीज टू वेज वी गेट एन ओवर काउंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वेज टू डू इट बिकॉज द वेज आर कामन आर काउंट इन टाइस उन्होंने कहा है कि अगर आप सम रूल यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास ओवर काउंट हो जाएगा क्यों क्योंकि जो चीज़ कॉमन आ रही है वो दो दफा काउंट हो जाएगी काउंट इट टवाइस दो दफ़ा काउंट हो जाएगी टू करेक्टली काउंट द नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज को करेक्टली काउंट करने के लिए टू डू द टास्क इस काम को करने के लिए यानी कि जो हमारा टास्क था उसको परफॉर्म करने के लिए वी मस्ट सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ वेज डेट आर काउंटेड ट्वाइस हमें उन को सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस करना होगा जो कि दो दफा काउंट हो रहे हैं दिस लीड्स अस टू आर रूल कार्ड सब्ट्रैक्शन रूल ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल यानी यहां पे हम यूज करेंगे आर इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ऑफ काउंटिंग या फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल को हम करेंगे अगर माइनस सिर्फ करेंगे तो उससे सब्ट्रैक्शन रूल कहेंगे लेकिन अगर हम पहले ऐड करके उसमें से माइनस करें उस पूरे को इंक्लूजन एक्सक्लूजन दोबारा सुन लीजिएगा सम रूल ने सम किया करना है सब्ट्रैक्शन रूल ने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया करना है अगर इन दोनों को मिला दें कि सम भी करें और बाद में सब्ट्रैक्शन भी करें तो इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहेंगे दस द रूल इज़ डिफाइंड एज और इस रूल को इस तरह डिफाइन किया गया है इफ ए टास्क कैन बी डन एन वेज अगर एक काम को एन वन वे से किया जा सकता है या एन टू वे से तो ये हमारे पास टास्क था इसको या एन वन वे से किया जा सकता है या एन टू वे से किया जा सकता है ठीक है तो देन द नंबर ऑफ वेज टू डू द टास्क विल बी एन वन प्लस एन टू ठीक है तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या होगा एन वन नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आएंगे एन वन प्लस एन टू ठीक है लेकिन उन्होंने कहा कि माइनस कर दे में कर देंगे उन नंबर्स को और डेट आर कॉमन टू द बोथ डिफरेंट तो जो दोनों में होंगे उनको माइनस कर देंगे तो बोथ इन एन वन एन टू ठीक है अगर कोई भी ना कॉमन हुआ तो जीरो माइनस कर देंगे और अगर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हुए वन कॉमन एक दफ़ा कॉमन हुए तो वन लिख देंगे दो दफ़ा कॉमन हुए तो दो लिख देंगे ठीक है बोथ जो दोनों में होंगे दिस रूल इज़ कल्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ऑफ काउंटिंग इस रूल को हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल ऑफ काउंटिंग कहते हैं और इसको समझने के लिए हम फॉर एलिस्ट्रेशन निशानदाही के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल अपने से देता हूँ ये देखें फ़र्ज किया है कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ ये वाला डब्बा ठीक है ना ये क्या है मैं इसको कह देता हूँ ये यूनिवर्सल सेट है यूनिवर्सल सेट क्या होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिस ऐसा कोई भी सबसे बड़ा सेट जिसके रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे ठीक है फ़र्ज़ किया अगर मैं एबीसी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट पूरी एबीसी आ जाएगी ए से जी तक ठीक है अगर फर्ज किया मैं वन टू लेना चाहता हूं ना वन टू थ्री तो वन से लेकर सोन जितने भी नंबर आगे तक जाते हैं वो सारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ठीक है तो इसी तरह एक सेट जो कि अंडर कंसिड्रेशन हो उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं फ़र्ज़ किया मैं यूनिवर्सल सेट में टेन ले एलिमेंट्स ले लेता हूँ वन टू थ्री और सोन कहाँ तक गया टेन तक ये एलिमेंट्स ले लेता हूँ ठीक है अब ए मैं एक ऐसा सेट ले लेता हूँ जो कि जिसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाय टू हो तो देखें आप टू डिविजिबल बाय टू होता है यानी कि दो दो को पूरा पूरा तकसीम करता है चार चार को भी दो पूरा पूरा तकसीम करता है छः को भी करता है एट को भी करता है टेन को भी ये ए सेट में आ गया अगर बी की बात करूँ तो बी में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिसको थ्री पूरा पूरा डिवाइड करता है वो आ जाएगा थ्री सिक्स नाइन ठीक है अब अब अगर इन सेट्स को मैं बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो ये मेरे पास इस तरह आएगा तो यहाँ से आप देखें कि ए सेट हमारे पास आ गया ये वाला ए सेट मैंने बनाया हुआ है जिसमें टू फोर सिक्स और एट आ गया ठीक है और टेन भी आता है ठीक है इसमें टेन भी आ गया और अगर बी सेट की बात करूँ तो इसमें थ्री सिक्स नाइन आ गया ठीक है अब इन दोनों में कॉमन देखूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में ये सिक्स आ गया और ए यूनियन बी में देखूँ तो ये आ रहा है टू थ्री फोर सिक्स एट नाइन टेन ठीक हो गया और इनके अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल सेट में क्या आ रहे थे यूनिवर्सल सेट ये पूरी रिक्टेंगल है तो रिक्टेंगल में देखें तो सारे आ रहे हैं वन से टेन तक ठीक है और अगर मैं आपको कहूँ कि इनके अलावा कौन सी चीज़ आ रही है यानी कि ए यूनियन बी के अलावा ठीक है और इसको मैं यहाँ पे ना एन का नाम दूंगा किसको एन का नाम आ, तो एन सेट का नाम दे देता हूँ इसको किसका एन सेट का नाम तो ये वन फाइव और सेवन इसमें आ रहे हैं वन फाइव और सेवन आ रहे हैं यहीं से सारी बातें बताऊँगा एग्जाम्पल्स ख़ुद ब खुद, खुद सोल्व हो जाएंगे ठीक है तो ये देखें अब यहाँ पर गौर करिएगा मेरा जो इस चैप्टर में यानी कि इस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो हमारे रिलेटेड बात होती है वो ये हम देखते हैं नंबर ऑफ वेस कितने हैं कितने नंबर ऑफ़ वेज ये देखिए नंबर ऑफ़ वेज की बात की जाती है ठीक है तो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि इस सेट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं हम ये डिस्कस करेंगे इस सेट में कितनी चीज़ें आ रही हैं अब देखें अगर मैंने देखना हो कि ए यूनियन बी में कितने नंबर्स आ रहे हैं तो कितने नंबर्स हैं तो नंबर्स के लिए हम इसको कार्डिनेलिटी से शो करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है ठीक है जैसे मर्जी लिख लें तो इससे शो ये मैंने फाइंड करना है तो ये फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा तो देखें ए वाले को प्लस करूँगा और बी वाले को ठीक है जब ए वाले को प्लस करूँगा तो ए में सिक्स भी आ रहा था जब बी वाले को प्लस किया तो बी वाले में भी सिक्स आ रहा था तो सिक्स क्या कर गया सिक्स हमारे पास रिपीट कर गया अब इस रिपीट वाले को निकालना है तो देखिए कैसे मैं करूँगा मैं पहले ए के एलिमेंट्स देखूंगा तो ए में पांच एलिमेंट्स आ रहे हैं तो मैं कहूँगा फाइव एलिमेंट्स इसमें एलिमेंट्स तीन आ रहे हैं प्लस तीन एलिमेंट्स ठीक है ये तो सम रूल हो गया अब डिफरेंस रूल लगने लगा इसमें माइनस करेंगे छः जो है दो दफ़ा आ गया था इसको माइनस किया पाँच तीन आठ में से एक निकाल निकाले सेवन तो देखें ए यूनियन बी में सात एलिमेंट्स आएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है अब इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए हम जो नोटेशन यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ मैं कहूँगा कि ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर हम ये वाली चीज़ फाइंड करना चाहते हैं ये वाली चीज़ तो पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लें ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो लें प्लस बी में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो लें और इनमें से माइनस कर दें किसे ए इंटरसेक्शन बी को और ये इंटरसेक्शन बी क्या है इन दोनों में जो कॉमन है उनको माइनस कर दें ठीक है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है ये चीज़ हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाती है ठीक है अब यहाँ पर देखें कि अगर हम देखना चाहें अगर हम देखना चाहें कि ए यूनियन बी के अलावा कितने एलिमेंट्स बचती हैं ए यूनियन बी के अलावा कितने एलिमेंट्स बचते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट्स हों उनमें से अगर आप इनको माइनस कर दें यूनियन बी वाले को ए यूनियन बी वाले को अगर आप माइनस कर दें तो हमारे पास एन की कार्डिनलिटी आ जाएगी तो देखिए टोटल हमारे पास टेन एलिमेंट्स थे ना तो टेन में से हमने सेवन एलिमेंट माइनस कर दिए तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन सेट आ जाएंगे तीन आ जाएंगे ठीक है तो इस तरह ये सारी चीज़ें हैं तो हमें बताया जाएगा कि एक एक कैटेगरी में कितने हैं, दूसरी कैटेगरी में कितने हैं, दोनों में कितने हैं तो दोनों को प्लस करके जो कॉमन है उनको माइनस कर दिया करेंगे ए यूनियन भी आ जाएगा, करेगा लेकिन अगर हमें पूछा जाए कि इनके अलावा कितने हैं यानी कि ना तो वो ए में है ना तो बी में है ना उन कामन में है तो उनके अलावा कितने हैं तो उसके लिए हम टोटल में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया करेंगे तो टोटल में से जब इस वाले पोर्शन को माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ें आ आने करेंगी ठीक है ये कंसेप्ट की बातें थी नेक्स्ट सारी एग्जाम्पल इसी बेस पर हम सोल्व करते हैं तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसका स्क्रीन ले लें अगर ले ले आपने लेना है फिर हम नेक्स्ट चलते हैं अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन आती है तो जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वही आप आपन में रखें सारी एग्ज़ैम्पल्स ख़ुद ब खुद सॉल्व होंगे वो कहता है कंप्यूटर कंपनी रिसीव्स 350 फिफ्टी एप्लीकेशन फ्राम कम्प्यूटर ग्रेजुएट्स फॉर ए जॉब तो कंप्यूटर ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है यानी कि जो बी एस या जो भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक जॉब के लिए ना एप्लीकेशन्स uh, दी हैं ठीक है तो कंप्यूटर कंपनी कह रही है कि हमें uh, 350 फिफ्टी एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं पोज करते हैं कि टू ट्वेंटी जो एप्लीकेशन है ना यानी कि उन थ्री फिफ्टी एप्लीकेशन में से जो टू ट्वेंटी एप्लीकेशन है मेजर्ड इन कंप्यूटर साइंस वो कंप्यूटर साइंस के मेजर्ड है और वन फोटी सेवन जो है वो बिजनेस में मेजर्ड है एंड फिफ्टी वन मेजर्ड जो है वो दोनों में है इन बोथ कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस हाउ मैनी ऑफ दीज एप्लीकेशन मेजर्ड नाइडर नाइडर इन कंप्यूटर साइंस नार इन बिजनेस वो कहता है कि कितने एप्लीकेशन होगी जो ना तो कंप्यूटर में मेजर और ना ही बिज़नेस में तो दोबारा यहाँ पर देख लें तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो दोबारा आपने ये जहन में ले आना है कि टोटल थ्री फिफ्टी है यानी कि ये आ गया एस फिर एक सेट ए ले लें ले, तो ए में आप कंप्यूटर वाली एप्लीकेशन रख देंगे सी एस कर देता हूँ ठीक है कंप्यूटर साइंस वाले इसमें टू ट्वेंटी आ जाएंगे ठीक है और इसके अलावा ये हमारे पास बिजनेस वाले की बात करें अगर तो ये बिजनेस वाले हमारे पास फिफ्टी वन आ जाएंगे ठीक है और 51 वन ही वन आ जाएंगे ठीक है वन फोटी सेवन ये लिखा हुआ है वन फोर्टी सेवन मेजर्ड इन बिजनेस वन फोर्टी सेवन आ जाएंगे और उन्होंने कहा है कि जो दोनों में है वो कितने वहाँ हैं फिफ्टी वन है ठीक है फिफ्टी वन है? है और उन्होंने कहा हाउ मैनी ऑफ दीज एप्लीकेंट्स कितने एप्लीकेंट्स होंगे मेजर्ड जो कि ना तो कंप्यूटर साइंस में मेजर हो ना इसमें हो तो सबसे पहले देखें कि आप क्या करेंगे ए यूनियन बी इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करेंगे ठीक है इसकी कार्डिनलिटी कैसे फाइंड आएगा कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं या ए में कितने मेंबर्स होंगे और प्लस बी की कार्डिनलिटी और माइनस कर देंगे दोनों की कार्डिनलिटी को यानी कि इनके इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी को तो ये हमारे पास ए में अगर बात की जाए तो कितने हैं ए में टू ट्वेंटी है तो टू ट्वेंटी और माइनस और प्लस वन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन और इन दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं तो उसको अब हम एक्सक्लूड करेंगे इनको इंक्लूड करेंगे इंक्लूड किसको करेंगे फिफ्टी वन को करेंगे इसका आंसर देखते हैं हम क्या आता है तो 220 और सैंतालीस सेवन और सिक्स और थ्री इसमें से 51 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा सिक्स वन थ्री ठीक है तो थ्री सिक्सटीन आ गए यानी कि इस पूरे डब्बे में यानी कि इस ए यूनियन बी में हमारे पास कितने आ गए तीन सौ सोलह आ गए अब टोटल तीन सौ पचास थे तीन सौ सोलह यहाँ वाले आ गए तो इसके बाकी कौन से बचेंगे तो बाकी फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो एन की कार्डिनलिटी हुआ करेगी तो एन की कार्डिनलिटी किसके इक्वल वर्क करेगी टोटल यूनिवर्सल सेट माइनस ए से यूनियन बी ठीक है ए यूनियन बी तो टोटल में से इन इन वाले को निकाल दें जिन्होंने अप्लाई किया है तो यानी कि जो कंप्यूटर में मेजर्ड है या जो दोनों में है या जो बिज़नेस में है तो टोटल हमारे पास थ्री फिफ्टी है इनमें से हमने ये ए यूनियन बी वाले निकाल दिए तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे कितने दस में से छः गए चार चार में से एक गया तीन तो थर्टी फोर हमारे पास बाकी बचेंगे ठीक है तो ये हमारे पास है जो कि ना तो कंप्यूटर साइंस में मेजर है और ना ही बिजनेस में मेजर है ठीक हो गया तो ये पहली इसी तरह हमारी सॉल्व हुई अब नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट भी वेरी इजी खुद ब खुद आप कर सकते हैं उन्होंने कहा है कि अ सर्वे ऑफ़ हाउस होल्ड्स इन यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट में एक सर्वे किया गया है जिसके मुताबिक वहाँ की आबादी ने रिवील किया है यानी कि ज़ाहर किया है 96 सिक्स परसेंट हैव एट लीस्ट वन टेलीविज़न सेट 98 परसेंट हैव टेलीविज़न सर्विस एंड 95 फाइव हैव बोथ फैसिलिटीज़ ठीक है कि उन्होंने कहा है कि 96 परसेंट जो है ना उनके पास कम से कम एक टेलीविजन सेट है और 98 लोगों के पास जो है वो टेलीफोन की सर्विस मौजूद है और 95 जो ऐसे हैं जिनके पास बोथ हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सबसे पहले अगर ए यूनियन बी की हम बात करें तो ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी डायरेक्ट ही करूँगा अब वो पेपर में कैसे लेके आना ये आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि सोल्यूशन आपके लोग के पास मौजूद होता है तो वहाँ से आप देख सकते हैं 96% है 96 आ गया एक वाले में प्लस नाइन्टी एट आ गया दूसरे वाले में जो दोनों में है उनको एक दफ़ा माइनस कर देंगे नाइन्टी फाइव इसमें माइनस कर देंगे ठीक है जो भी हमारे पास आंसर आया तो इन दोनों को प्लस किया इसमें से इसको निकाल देते हैं नाइन्टी सिक्स प्लस थ्री आ जाएगा तो ये हमारे पास आ गया नाइन्टी नाइन ठीक है नाइन्टी नाइन आ गया अब टोटल हमारे पास कितना था टोटल हमारे पास वन हंड्रेड परसेंट होगा ठीक है टोटल हमारे पास अगर कोई भी चीज़ देखे ना बच्चों को मार्क्स देने हैं या कोई सर्वे करना है तो 100% परसेंट में से ही सर्वे लेंगे ना तो ये सर्वे हमारे पास आया था तो 100% परसेंट टोटल है तो अगर हम एन की कार्डिनलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास टोटल 100% परसेंट था उसमें से 99 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास वन आ जाएगा ठीक है तो एन हमारे पास कितना आ गया वन परसेंट आ गया तो यही हमारा है ठीक है नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखें तो आगे वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है जो मैंने एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश की थी उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सकीडिंग वन थाउजेंट आर डिविजिबल बाय थ्री आर फोर उन्होंने कहा है कि एक हज़ार से ज़्यादा नहीं आप लोगों ने होना एक हज़ार के अंदर रहते रहते कितने नंबर्स हैं जो कि या तीन से डिविजिबल है बाय यानी कि या डिविजिबल बाय थ्री है या डिविजिबल बाय फोर है तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोबारा एक सेट बना लिया जाएगा ठीक है इस सेट में आ जाएंगे डिविजिबल बाय थ्री इस सेट में आ जाएंगे डिविजिबल बाय फोर और इसमें आ जाएंगे डिविजिबल बाय बोथ यानी कि जो तीन से भी डिविजिबल है फोर से भी जैसे ट्वेल्व आ गया ठीक है ट्वेल्व इसमें एंटर करेगा तीन से भी डिविजिबल है और चार से भी तो इसमें अगर देखें तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे इसमें कितने तो इसको मैं एक आटरनेलिटी का नाम देता हूँ तो एक हज़ार से ज़्यादा नंबर ना आ जाए और डिविजिबल बाय थ्री हो तो एक हज़ार को अगर मैं तीन से डिवाइड करूँगा ना किससे से तीन से डिवाइड करूँगा तो तीन 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 बार नौ और दस तीन तीन बार नौ और दस तीन तीन, तीन बार नौ और थ्री पॉइंट कुछ आएगा ठीक है तो इसमें मेरे पास तीन सौ तैतीस नंबर आ जाएंगे ठीक है तकरीबन तीन सौ तैतीस एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ अगर फर्ज़ किया मैं फिफ्टीन नंबर्स की बात करता हूँ ना तो फिफ्टीन डिवाइडेड बाय तीन तो तीन पाँच बार पंद्रह यानी कि वन से लेके फिफ्टीन तक ऐसे पाँच नंबर होंगे जो कि तीन से डिविजिबल आए तो देख ले वन थ्री फाइव वन ये हमारे पास कौन से फाइव नंबर आ जाएंगे तीन तीन छः नौ बारह और पंद्रह ठीक है इसी तरह फ़र्ज किया मैं सिक्सटीन क्या कहता तो तीन से डिवाइड करें तो तीन पाँच बार पंद्रह और फाइव पॉइंट कुछ आ जाना था फाइव पॉइंट थ्री आ जाना था तो इसका आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फंक्शन लें तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो इसका आंसर आ जाता है फाइव ठीक है तो अशारिया ख़त्म करके ना अगर पॉजिटिव नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो अगर एक इंटीजर है तो उसका आंसर इंटीजर ही आएगा लेकिन अगर शाड़िए वाला है तो शाड़िया हम उसका ख़त्म कर देते हैं यानी कि उससे छोटे हमें से सबसे बड़ा इंटीजर हमारा आंसर आता है तो अगर हज़ार नंबर आए तो हम इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे डिवाइड करके तीन से तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि देखें अगर वन थाउजेंड को डिवाइड करें हम थ्री से हम चेक करना चाहते हैं थ्री से कितने डिविजिबल होंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना पड़ेगा तो इसका आंसर आएगा तीन सौ तैतीस शाड़िया कुछ आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तीन सौ तैतीस आएगा तो ए में इतने एलिमेंट्स हैं जो कि हज़ार नंबर्स को थ्री से डिवाइड करने पे आएंगे ठीक है और फोर वाले देखने चाहें तो हम वन थाउजेंड और डिवाइड फोर कर देंगे ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा चार एक बार चार चार दो बार आठ नौ दस बाकी आगे बीस चार पाँच बार ढाई सौ आ जाएंगे तो ढाई सौ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ढाई सौ ही रहेगा ठीक है और इसमें हमारे पास कितने आ गए इसमें हमारे पास ढाई सौ आ गए अब हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों में यानी कि कॉमन कौन से आएंगे तो देखिए तीन और चार वाले देखने हैं ना तीन और चार को आपस में मल्टीप्लाई कर दे ट्वेल्व आ गया ठीक है तो अब ट्वेल्व से डिविजिबल बाय देखेंगे यानी कि आप सिंपल ये कर लें वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री और फोर वाले डिविजिबल बाय देखने हैं ना तो थ्री और फोर दोनों से डिवाइड कर दें ठीक है तो ये आ जाएगा चार ढाई सौ बार ठीक है और इससे डिवाइड करें तो तीन एक बार तीन और तीन छः बार अठारती तीन आठ बार चौबीस और एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री आ जाएगा ये कितना एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री आ जाएगा तो जब एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो इशारिया ख़त्म हो गए एटी थ्री आ जाएगा तो इसमें एटी थ्री एलिमेंट्स हो गए जो रिपीट हो रहे हैं तो ए यूनियन बी की अगर हम कार्डिनलिटी देखना चाहें ठीक है तो वो क्या आएगी तीन सौ तैतीस प्लस ढाई सौ और इसमें से माइनस करेंगे एटी थ्री ठीक है तो ये अगर मैं माइनस करूँ तो देखें तीन में से तीन निकाल लें जीरो और तैंतीस में से आठ निकाल लें पच्चीस तो ढाई सौ प्लस ढाई सौ तो ये हमारे पास पाँच सौ आ जाएगा ढाई सौ प्लस ढाई सौ ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएगा पाँच सौ तो हमारे पास इस पूरे में यानी कि इस पूरे में इस पूरे डब्बे में पाँच सौ एलिमेंट्स आ रहे हैं कितने पाँच सौ ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो डिविजिबल बाय टू भी होंगे डिविजिबल बाय थ्री भी होंगे या डिविजल बाई टू थ्री यानी कि इस पूरे डब्बे में पाँच सौ एलिमेंट्स आ रहे हैं जो या तो टू से डिविजिबल थ्री से डिविजिबल हुआ करेंगे या फोर से या इन दोनों से ठीक है और अगर हम देखना चाहें कि 500 के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं यानी कि इसमें तो 500 आ रहे हैं तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे वो तीन से भी डिविजल ना हो फोर से भी ना हो तो टोटल में से इनको माइनस कर दें यानी कि टोटल में से इस डब्बे को माइनस कर दें फिर यहाँ वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो हज़ार में से पाँच निकाल लें तो पाँच ही ऐसे नंबर होंगे जो या ना तो तीन से डिवाइड होंगे ना ही फोर से होंगे ना दोनों से होंगे ठीक है तो ये भी हमारे पास एग्जाम्पल क्लियर तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट ये वाली एग्जाम्पल है अब ये एग्ज़ाम्पल करवाने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि फ़र्ज़ किया है कि अगर हम ए अगर हम यूनियन बी की कार्डनैलिटी की बात करते हैं ना तो ये हमारे पास इनकलीजन एक्सक्लिजन कैसे आता है ए की कार्डनैलिटी प्लस बी की कार्डनैलिटी और बाद में से इनको माइनस कर दे ठीक है और बाद में इसको इसके इंटरसेक्शन को माइनस कर दें लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाएं ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक है तो फिर क्या फार्मूला बनेगा ठीक है फिर क्या फार्मूला बनेगा और इसी तरह अगर यहाँ पे चार चीज़ें आ जाएं तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा ठीक है अब ये जहन में एक क्वेश्चन आता है तो बच्चों यहाँ पे देखें तो इसको नाम दिया गया है इनक्लियर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो ये देखें ये पहले इंक्लूड किया गया बाद में एक्सक्लूड किया गया इसी तरह यहाँ पे पहले इंक्लूड किया जाएगा बाद में एक्सक्लूड किया जाएगा बाद में फिर इंक्लूड किया जाएगा तीन तीन स्टेप तक जाना है इसमें बात करूँ तो पहले इंक्लूड किया जाएगा फिर एक्सक्लूड किया जाएगा फिर इंक्लूड किया जाएगा फिर एक्सक्लूड किया जाएगा ठीक है तो ये इस तरह चीज़ आएगी अब यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी वो हम देखते हैं ए और बी की बात करते हैं अगर ए और बी को मैं एक सेट में बंद कर दूँ ठीक है ये मैंने एक सेट बना लिया अगर मैं इसके सब सेट बनाना चाहूँ तो एक तो खाली सेट आएगा ठीक है फिर ए एक सेट में ए आएगा फिर एक सेट में बी आएगा ठीक है तो मैं इसको इस तरह बनाता हूँ यानी कि ये हमारे पास आ गया खाली सेट फिर ए सेट आ गया फिर बी सेट आ गया ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए और बी दोनों आ गए ठीक है तो यहाँ से गौर करें हम क्या किया करेंगे हमने दो वाला था ना तो दो वाले खाली सेट को हमेशा छोड़ देना करना है, हमने किसको खाली सेट को छोड़ देना है तो पहले देखें सिंगल वाले को इंक्लूड किया और डबल वाले को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे क्या करेंगे सिंगल वाले को इंक्लूड करेंगे डबल वाले को एक्सक्लूड ट्रिपल वाले को दोबारा इंक्लूड कर देंगे यहाँ पे इसको इंक्लूड दो वाले को एक्सक्लूड तीन वाले को इंक्लूड और चार वाले को एक्सक्लूड ठीक है तो इसके लिए अब हम लिखते हैं कैसे लिखेंगे तीन एलिमेंट्स हैं तो मैं सेट रख लूंगा ए बी और सी ठीक है ये मैंने तीन चीज़ें रख ली इसमें ए बी सी रख ली अब इसके अगर मैं सबसेट फाइंड करने की कोशिश करूँ तो खाली सेट को छोड़ के आपने सबसे पहले सिंगल वाले देखने हैं तो ये आ जाएगा ए बी आ जाएगा ठीक है और फिर आ जाएगा सी ठीक है अब दो वाले देखें तो कौन से बनेंगे ए बी आ जाएगा ठीक है दो वाले ए बी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा ठीक है और अगर देखें तो बी सी आ जाएगा ठीक है और तीन वाला देखूं तो ये एक ही बनेगा ए बी और सी तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा अब मैं यहाँ पे इनको इंक्लूड करूँगा इसको एक्सक्लूड करूँगा और इनको इंक्लूड कर दूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगी ए की कार्डनैलिटी प्लस बी की कार्डनैलिटी और प्लस सी की कार्डनैलिटी और इसमें से माइनस कर दूँगा कौन सी चीज़ माइनस कर दूंगा इन वाली चीज़ की कार्डनैलिटी तो माइनस आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की कार्डनैलिटी और माइनस है ए इंटरसेक्शन सी की कार्डनैलिटी और माइनस है बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी ठीक है और इसमें इंक्लूड कर दूंगा अब इस वाली चीज़ को तो ये वाली चीज़ क्या आएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की कार्डिनलिटी ठीक है तो ये हमारे पास बन जाएगा अब चार वाला जो यानी कि अब जो चार वाला है ए बी सी डी तो इसको हम कैसे करेंगे यानी कि अब यूनियन बी यूनियन सी और यूनियन डी इसकी कार्डिनलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे तो यही तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा ठीक है इस वाले की समझ आ गई तो अब हम देखते हैं यहाँ पर तो अब एग्ज़ाम्पल समझते हैं वो कहता है कि टोटल कितने हैं टोटल हमारे पास ये है तो टोटल को मैं यूनिवर्सल सेट से डिनोट करूंगा यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ गया कितना है बारह ठीक है अब देखें उसने कहा है कि कोर्स इन स्पेनिश में हैव टेकन अ कोर्स इन स्पेनिश A total of twelve thirty two students have taken a course in Spanish. नहीं बल्कि इसने कहा कि टोटल इतने ही नहीं है बल्कि इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पेनिश में कोर्स को टेक कर रहे हैं यानी कि इतने स्पेनिश को ले रहे हैं तो ये हमारे पास सेट जो है देखे ना कि पहले पूरी लाइन पढ़ लेनी चाहिए मैंने हाफ लाइन पढ़ी तो इससे मुझे गलती लग गई तो पूरी लाइन क्या कहती है टोटल ऑफ वन यानी बारह सौ बत्तीस स्टूडेंट्स हैव टेकन अ कोर्स इन स्पेनिश तो स्पेनिश में कितने बारह सौ बत्तीस तो मैं इसको एस सेट का नाम दे देता हूँ स्पेनिश में कितने बारह सौ बत्तीस ठीक है और फिर उन्होंने कहा कि 879 नाइन हैव टेकन अ कोर्स इन फ्रेंच फ्रेंच में कितने 879 तो फ्रेंच कोर्स को कितने लोग रह रहे हैं ये हमारे पास आएंगे 879 नेक्स्ट लाइन पूरी पढ़ेंगे उसके बाद एक सौ हैव टेकन अ कोर्स इन रशियन तो रशियन में कितने 114 तो रशियन में हमारे पास 114 अब कौन कौन से है? इनको नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं फर्दर उन्होंने कहा 103 जो है वो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में है यानी कि जिस इस फ्रेंच में जो थे ना आठ और जो बारह इन दोनों में जो शामिल है वो 114 स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या कहेंगे कि फर्दर वन जीरो में है स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में तो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं एक है एक है, 103 है। ठीक है फिर उन्होंने कहा कि ट्वेंटी थ्री टेकन कोर्सेज इन बोथ स्पेनिश और रशिया तो स्पेनिश और रशिया में जो दोनों में हैं वो हमारे पास कितने हैं वो ट्वेंटी थ्री है इसी तरह वो कहता है फोर्टीन जो है वो फ्रेंच और रशियन में है तो फ्रेंच और रशियन में कितने हैं फ्रेंच और रशियन में हमारे पास कितने हैं एफ इंटरसेक्शन आर कितने आ जाएंगे फोर्टीन आ जाएंगे और वो कहता है कि इफ़ ट्वेंटी नाइन्टी टू स्टूडेंट्स हैव टेकन एट लीस्ट वन ऑफ द स्पेनिश फ्रेंच एंड रशियन हाउ मैनी कोर्सज इन आल थ्री लैंग्वेज और वो कहता है कि बीस नाइन्टी टू यानी कि ट्वेंटी नाइन्टी टू जो स्टूडेंट्स हैं ना वो हमारे पास टोटल है टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास यानी कि uh, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स हैव टेकन ऐट लीस्ट वन ऑफ स्पेनिश फ्रेंच एंड रशियन वो कहते हैं इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि कम से कम एक कोर्स ले रहे हैं इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि कम से कम एक कोर्स ले रहे हैं वो स्पेनिश फ्रेंच और रशियन तो इसका मतलब है या वो ये ले रहे हैं या वो ये कोर्स या वो ये कम से कम एक आ गया दो भी हो सकते हैं यानी कि दो दो कोर्स भी ले रहे हैं ठीक है वो तीन तीन भी हो सकते हैं वो है तो तीन ही कोर्स ना तो कम से कम एक यानी कि या इसमें या इसमें या इसमें होंगे या दो दो में होंगे तो टोटल तो ये यानी कि ये हमारे पास क्या बताया जा रहा है ये सभी में बताए जा रहे हैं कम से कम एक ले रहे हैं ये हमारे पास सभी में कितने आ गए तो सभी की कार्डिनलिटी हमारे पास आ गई अब एक और मज़े की बात यहाँ पे बता देता हूँ ये स्टार्टिंग पे बतानी चाहिए थी मुझे याद भूल गया था देखें अब याद आया कि जब हम यूनियन की बात करते हैं ना यूनियन की यूनियन की ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह की बात करते हैं तो अगर हम इसकी कार्डिनलिटी यानी कि इस तरह की चीज़ें बात करते हैं ना इसके लिए यूनियन के लिए ना प्लस सिंबल यूज़ होता है किसका प्लस सिंबल का यूज़ होता है प्लस सिंबल का लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें ना इंटरसेक्शन की बल्कि हाँ यूनियन के लिए हमारे पास प्लस सिंबल यूज़ होता था ठीक है और इंटरसेक्शन की जो है ना उसकी अभी मैं बात नहीं कर सकता आपको लेकिन आ, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो हम पहला चैप्टर पढ़ के आए थे ना उसमें सम रूल यूज़ होता था तो सम रूल क्या करता था ए यूनियन बी है ना तो इसके लिए इसको कर देता था ए और प्लस बी की कार्डिनलिटी लेकिन हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं ना प्रिंसिपल तो इसमें इस तरह हाँ आया करेगा ठीक है यानी कि सम रूल का ही अपडेटेड वर्जन ये वाली चीज़ है ठीक है सम सामड उल्की ही अपडेटेड ये वाली चीज़ है अब देखें यहाँ पे क्या कहने लगा हूँ हाँ या ए में या बी में या सी में या दोनों दोनों में जितने भी यानी कि आएंगे ना हमारे पास वो टोटल कितने हैं ट्वेंटी नाइन्टी टू है तो अब ने हमने फाइंड क्या करना है हाउ मनी हैव टेकन कोर्सेज इन आल थ्री लैंग्वेजेज़ वो कितने बच्चे होंगे वो कितने स्टूडेंट्स होंगे जो तमाम में हिस्सा ले रहे होंगे तो पहले हम इसका फार्मूला लिख लें तो ए यूनियन बी यूनियन सी जो है इसकी कार्डनैलिटी इक्वल आएगी ए की कार्डनैलिटी प्लस बी वाले की कार्डिनलिटी ठीक है और प्लस सी वाले की कार्डिनलिटी तो अब ए बी सी यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एस आर और एस आर और एफ है तो वो हम बाद में करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाता था ठीक है ये फार्मूला था हमारे पास माइनस ए इंटरसेक्शन सी आ जाना था और फिर माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी आ जाना था बी इंटरसेक्शन सी और हमारे पास माइनस आ जाना था और प्लस आ जाना था अब इंक्लूड करना था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है अब अगर इसको बात करूं ना तो ये वाली चीज क्या इजहार कर रहे हैं ये चीज बता रही है हमें या वन वाले होंगे ठीक है या टू वाली चीजें होंगी या थ्री वाले होंगी ये तो इंक्लूड एक्सक्लूड कंसेप्ट बाद में आता है ना मेन बात क्या है या वन वाले होंगे या टू वाले या थ्री वाले अगर चार वाले कोर्सेज़ होते तो हम कहते चार वाले भी तो इसी तरह से ये 2092 लिखा गया है कि एट लीस्ट वन ऑफ स्पेनिश फ्रेंच रशियन यानी कि कम से कम एक तो वो या स्पेनिश होगा या फ्रेंच या रशियन ठीक है।, है अब दो दो में भी हो सकता है तीन तीन में भी हो सकता है कोर्सेज टोटल तीन है ना तो यानी कि ये जो कीमत दी गई है ये इस पूरे की दी गई है ठीक है तो ये यहाँ पर ऐसा आना था या स्पेनिश होगा या फ्रेंच होगा या रशियन ठीक है तो ये वाले तो इस पे जगह हम कीमत पुट करें यानी कि ये अपने सेट के रिलेटेड बनाए तो ये एस यूनियन एफ़ यूनियन रशियन आ, आ जाएगा और यहाँ पे एक एक की ले लें यानी कि एक एक को इंक्लूड करेंगे ठीक है ना एक एक वाले को यानी कि एस का और प्लस एफ़ आ जाएगा और प्लस आर आ जाएगा और माइनस दो दो वाले को माइनस कर देंगे एस इंटरसेक्शन एफ़ आ जाएगा और माइनस एस इंटरसेक्शन आर आ जाएगा और माइनस है एस इंटरसेक्शन एस नहीं अब एफ़ इंटरसेक्शन आर आ जाएगा ठीक है और अब तीनों वाले को एक्सक्लूड कर प्लस कर देंगे ठीक है ना तो ये आ जाएगा एस इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन आर आ तो अगर हम देखें तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने आल थ्री लैंग्वेजेस यानी कि तीनों वाले के लिए वैल्यू पुट कर यानी कि इसकी वैल्यू हमने फ़ाइंड करनी है जो कि तीनों में है ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी है इसकी वैल्यू टू जीरो नाइन टू है और इज़ इक्वल टू एस वाले की जो है वो ट्वेल्व थर्टी टू है प्लस एफ वाले की कितनी है एट सेवेंटी नाइन है और प्लस आर वाले की कितनी है आर वाले की वन फोर्टीन है और माइनस इस वाले की वैल्यू कितनी है एक सौ एक सौ तीन है ठीक है और माइनस इस वाले की ट्वेंटी थ्री है और माइनस एक्स वाले की फोटीन है और प्लस ये वाली चीज़ एस इंटरसेक्शन एफ़ इंटरसेक्शन आर ठीक है तो इन सभी चीज़ों को उस तरफ ले जाएं तो कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा वो हमारे पास आ जाएगा ठीक है टाइम कम मैं वीडियो आगे मज़ीद ले कर चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है गिव अ फार्मूला फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन फॉर फोर सेट फोर सेट के लिए अगर हम हमने बात करनी है यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी अब चार के लिए बात करने लगे हैं तो देखें पहले क्या आएगा इंक्लूड ठीक है फिर एक्सक्लूड फिर इंक्लूड फिर एक्सक्लूड ठीक है तो पहले कितने आएंगे पहले वन वाले आएंगे फिर टू वाले आएंगे फिर थ्री वाले आएंगे और फिर फोर वाले आएंगे तो देखिएगा फॉर्मूला कैसे लिखा जाता पहले वन वाले आएंगे तो ए, ए अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे यानी कि कितनी टर्म्स आएंगी तो मैंने कहा था कि इसके सबसेट बनाए हैं चार वाले के और खाली सेट नहीं ऐड करना तो सबसेट कितने बनते हैं फोर एलिमेंट्स है तो और दो पावर चार सिक्सटीन तो एलिमेंट्स बन जाएंगे लेकिन खाली सेट को निकाल दें तो ये हमारे पास फिफ्टीन आ जाएंगे कितने फिफ्टीन बनेंगे ठीक है तो देखें पहले ए आ जाएगा फिर बी आ जाएगा फिर सी आ जाएगा फिर डी आ जाएगा ठीक है और आगे अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस है ए ए इंटरसेक्शन बी ठीक है और माइनस ए सी आ जाएगा फिर ए डी ए सी फिर ए डी ए डी फिर ए वाले ख़त्म हो गए अब बी वाले को लेकर चलते हैं बी सी बी सी फिर बी डी आ जाएगा ठीक है फिर बी डी और फिर सी डी वाला आ जाएगा ठीक है बी भी खत्म हो गया फिर सी डी आ जाएगा ठीक है अब तीन वालों की बात करें तो तीन वालों को इंक्लूड करेंगे अब ठीक है तीन वाले इंक्लूड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है अब सी की जगह हम डी लिख देंगे तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी ठीक है अब बी वाले को सी कर देंगे तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ठीक है अब हम क्या करेंगे ए की जगह पे बी ले आएंगे तो बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ठीक है अब ये हमारे पास आ जाएगा और इसमें से चौथे वाला एक्सक्लूड कर देंगे तो एक्सक्लूड हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी तो मैंने क्या किया ये सबसेट ही लिखे हुए हैं जिसको कार्डिनलिटी के फॉर्म लिख दिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो देखिए हमारे पास फिफ्टीन बन गए तो ये हमारे पास फार्मूला लिख दिया गया है तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कोई चीज़ नेक्स्ट कोई भी नहीं है हमारे पास तो मैं आपको मजीद एक और बात बता देता हूँ अब इसको हम नेक्स्ट इसका प्रूफ देखेंगे इन जनरल इसको देखने की कोशिश करेंगे ठीक है और एक और चीज़ यानी कि जो मैं यानी कि ये जो मैंने फार्मूला लिखा था इसी को अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो अगर मैं इस वाली चीज़ को एक इंक्लूजन का नाम दे दूं एस वन का और इन सभी में से माइनस कामन ले लूं ये माइनस मा, कामन लिया तो ये वाली चीज़ें प्लस की हो गई ठीक है और इसको मैं नाम दे दूँ और ये भी प्लस की हो गई और ये भी प्लस का हो गया और इसको मैं नाम दे दूँ एस टू वाले का तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एस टू और इन वाले को प्लस एस थ्री का नाम दे दूँ यानी कि इनको एस थ्री का नाम दे दूँ तो ये बन जाएगा प्लस एस थ्री और ये हमारे पास माइनस एस फोर तो यानी कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस वन क्या है ये वाली चीज़ है एस टू क्या है ये प्लस वाली अंदर वाली साड़ी है ठीक है और ये एस थ्री क्या है ये तीन वाले हैं और एस फोर क्या है फोर वाले हैं ठीक है इसके अलावा और के इन जनरल हम इसको कैसे ले के चलेंगे तो यहाँ पे ए बी सी डी जो है ना वो जी तक ख़त्म हो जाती है तो हम वहाँ पे कौन से सेट लेंगे ए वन लेंगे ए टू सेट लेंगे ठीक है ए थ्री सेट लेंगे और ऑन ये इस तरह सेट लेंगे ए एन तक ठीक है और इनके लिए हम फार्मूला इन जनरल लिखने की कोशिश करेंगे तो इनके सबसेट जो होंगे ना तो उन्हीं से हम फार्मूला बनाएंगे तो वन वाले सबसेट को इंक्लूड दो वाले को एक्सक्लूड तीन वाले को इंक्लूड चार वाले को एक्सक्लूड पाँच वाले को इंक्लूड छः वाले को एक्सक्लूड सो ऑन ये चलता जाएगा और अगर एन इवन हुआ तो एक्सक्लूड करेंगे एंड पे अगर एन ऑड हुआ तो इनको इंक्लूड करेंगे तो देखें यहाँ पे एन इवन था तो एक्सक्लूड किया अगर फ़र्ज किया ये तीन वाले होते तो एन इवन होना था तो इनकलूड पे जाके हमारी बात खत्म होनी थी ठीक है तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम नेक्स्ट ही डिस्कस करेंगे उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आएगा होगी किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वहाँ लास्ट में पूछिएगा इसी के साथ इजाजत दीजिए अल्लाह अल्लाह अल्लाहान